अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों बात करते हैं हम जो 37 ममालिक हैं, 37 कंट्री जो हैं, जो पाकिस्तानियों को ये ऑफर करती हैं कि आप बग़ैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये जो वीज़ा फ्री ममालिक हैं, सिर्फ 55,000 रुपया लगा कर, 55,000 रुपये लगा कर, पाकिस्तानी रुपीज लगा कर आप कितने ममालक का वीज़ा ले सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और आपने अगर इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल है आपका तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम होगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि कितने ममालिक हैं जो वीज़ा फ्री ऑफर करते हैं पाकिस्तानी सिटीजन को, और कितने ममालिक हैं जो पाकिस्तान को ये ऑफर करते हैं, पाकिस्तानी सिटीजन को ये ऑफर करते हैं कि आप एयरपोर्ट के ऊपर आए, हम आपको वीज़ा दे देंगे, जिसे वीज़ा ऑन अराइवल कहा जाता है। और ऐसे कितने ममालिक हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन को ये ऑफर करते हैं कि आप घर बैठे हमारी कंट्री का ई वीज़ा ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके टीच वीज़ा चैनल के ऊपर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ये जो 37 ममालिक हैं, इनमें से आलमोस्ट आप तकरीबन 12 ममालिक को निकाल दें, उन ममालिक में आप बहुत ही मुश्किल से ट्रैवल कर सकते हैं। वो ममालिक हैं कैरबियन कंट्री, कैरबियन ममालिक हैं, उनमें आप बहुत ही मुश्किल से जा सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ख़र्चा है वो 55,000 रुपये तक आएगा, मैक्सिमम बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आई थिंक लास्ट वीक आई थिंक आपने देखी होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने बात की ईरान की, दूसरे नंबर पे बात की मैंने अजरबैजान की, उसके बाद मैंने बात की कतर की, फिर मैंने बहरीन की, ये चार कंट्री हैं। उसके बाद मैंने बात की कीनिया, युगांडा, रवांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, माडागास्कर। तो ये 11 ममालक बनते हैं। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो ये 11 ममालक का जो टोटल वीज़ों का खर्चा है वो 55,000 रुपये तक भी नहीं आता। तो ये जितने भी ममालक मैंने आपको बताए हैं, इनमें से सबसे जो एक्सपेंसिव चीज़ होगी वो होगी फ्लाइट टिकट, जो कि आप पाकिस्तान से बाय रोड ईरान और अजरबैजान जा सकती हैं। उसके बाद आपको अजरबैजान से फ़्लाइट लेनी होगी सीधा कीनिया, क्योंकि वो आपको सस्ती पड़ेगी। कीनिया से आप बाय रोड युगांडा, रवांडा, मोजम्बिक, माडागास्कर, जिम्बाब्वे, जाम्बिया का ट्रैवल कर सके। उसके बाद आप इथोपिया आएंगे, इथोपिया से आप फ्लाइट लेंगे सीधा दुबई, वो आपको बहुत ही कम पैसों में मिलेगी। फिर आप आगे दुबई से कतर जा सकती हैं, और कतर से दोबारा पाकिस्तान आ सकती हैं। तो इस फ्लाइट रूट के तहत और इन ममालक को अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं, उसके बाद आप कनाडा, अमेरिका या किसी भी और बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे और आपको इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर मिलेगा। जी तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।